प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। लोकसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ अमृत गिल ने आज पार्टी प्रवक्ताओं व पैनलिस्टों के साथ बैठक की। आज देवों की भूमि, देव भूमि हिमाचल प्रदेश में मैं आई हूँ, तो ये आज की हमारी मीटिंग तो इंटरनल मीटिंग रही। इंटरनल हमने, क्योंकि प्रभार संभालने के बाद अभी मैं कुछ दिन आ नहीं पाई थी, तो हमारी इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज हमारी कैसे रहेंगी, और बाकी जो पार्टी नेशनल लेवल पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो हमारे एजेंडाज हैं, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनजस्टिस जो देश में हो रहा है, तो उसके बारे में विचार हुआ। दो विचारधारा जो देश में चल रही है, एक वर्चस्व पक्ष और एक सर्वोदय पक्ष। सर्वोदय पक्ष जिसकी हिमायती, जिसको हमेशा कांग्रेस ने, कांग्रेस की विचारधारा रही है सर्व सभी का उदय, कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी जब ये समझेगा कि यस ये सरकार कि जो पॉलिसीज हैं, ये सरकार जो कुछ कर रही है ये मेरे लिए है, तब सर्वोदय आएगा। और कांग्रेस जब से देश निर्माण हुआ है, सुई से लेके जहाज तक हमने बनाया है, और वही चीज़ें हर डिसीजन में, हर लॉ में, चाहे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, मनरेगा को लेके आए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा वी द पीपल। लोग सबसे ऊपर हैं, थे और रहेंगे, और इसी विचारधारा को हम लेके जाएंगे। और जो आज देश के हालात हैं, मुझे जब, आप भी सभी मीडिया से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि नौकरियों का देश में क्या हाल है, बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज़्यादा है, और आज नौजवानों ने नौकरी मांगना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब उम्मीद ख़त्म होती है तो हम मांगने भी नहीं जाते। तो देश का जो कुछ हाल ऐसा हो गया है, महंगाई के लिए अगर मैं, आप सभी लोग मेरे जैसे हैं, आज से पहले हम ये नहीं सोचते थे कि यहाँ से जाना है, गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्योंकि तब तेल की कीमतें इतनी महंगी नहीं थी, पर अब तो 100 से हमेशा 100 के पार या 100 के करीब डीजल पेट्रोल है, और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। और बाकी शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी के लिए।